उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला मुख्यालय स्थित बीएसएनएल कार्यालय में देर रात आग लग गई। दमकल के दो वाहनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से सर्वर रूम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि इसके चलते बीएसएनएल के चार जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ की सेवाएं प्रभावित हुई है। आग के कारण बीएसएनएल को 80 से 90 लाख के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 11 बजे बीएसएनएल के सर्वर रूम में आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटों ने पूरा सर्वर रूम घेर लिया। प्रभावी अग्निशमन अधिकारी उमेश परगाई ने बताया कि रात करीब 11 बजे सूचना पर दमकल की टीम तत्काल भेज दी गई। दमकल के दो वाहनों ने घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया था। आग से बीएसएनएल का पूरा सर्वर रूम जल गया। बीएसएनएल के जूनियर टेलीकॉम अधिकारी सुरेश चंद्र ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। इससे करीब 80 से 90 लाख का बीएसएनएल को नुकसान का आकलन है। इधर आग के बाद से ही क्षेत्र में लगभग सभी नेटवर्क प्रदाताओं की संचार व्यवस्था ठप हो गई है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट।